दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और शिखर धवन को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन जीत दर्ज करने के बाद शिखर धवन के फैंस को आई बहुत बड़ी खुशखबरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से गंभीर बीमारी के कारण बाहर हुए शुभमन गिल की जगह अब शिखर धवन को टीम में किया गया है शामिल, जिसे सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे हुई शिखर धवन की रातों रात भारतीय टीम में वापसी? कितने मैच के लिए गिल को दिखाया गया है टीम से बाहर का रास्ता? क्या शिखर और रोहित की जोड़ी हमें अपने बल्ले का धमाल मचाते हुए आएगी नजर? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और शिखर धवन में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस का भी इंतजार खत्म हो गया जब भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप के लिए अपने पहले मैच में आमने सामने हुए दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को 199 रनों पर ऑल आउट कर दिया। टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की। जवाब में उतरी भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, लेकिन भारत का पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। भारत के तीन बल्लेबाज बिना खाता खोले मैदान के बाहर चले गए और टीम का स्कोर 2 रन पर 3 विकेट गिर गया। लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल की बेहतरीन पारी और अर्धशतकीय इनिंग के बदौलत टीम इंडिया ने कंगारू को जबरदस्त तरीके से रौंदा और एक यादगार जीत हासिल की। वहीं भारतीय टीम के लिए सबसे दुखद खबर यह थी कि पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल मैदान पर गंभीर बीमारी के कारण उतर नहीं सके। उनकी जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया, मगर ईशान किशन का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की चिंता बढ़ गई। आपको बता दें, शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले ही 2 दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके कारण उनका टेस्ट कराया गया तो उसमें डेंगू निकला, जिसके कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर करना पड़ा। वहीं ये खबर निकल कर आ रही है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच से भी बाहर हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, जिसके कारण पहले मैच में गिल को जगह ईशान किशन को मौका मिला, मगर उनका बदला पूरी तरह से खामोश नजर आया। इन सभी चीजों को देखते हुए अब टीम के गब्बर खिलाड़ी यानी शिखर धवन की नीदरलैंड के खिलाफ मैच में वापसी हुई है। यह खबर शिखर धवन और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि धवन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब था, लेकिन गिल की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें भारतीय टीम में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के लिए शामिल कर लिया गया है। शिखर धवन यह मैच खेलने के लिए पूरी तरह से बेताब है, उनका बल्ला तबाही मचाने का इंतजार कर रहा है। वहीं भारतीय टीम के लिए यह टूर्नामेंट जीतना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है और सभी मैच इंडिया में ही खेले जा रहे हैं। इसीलिए अगर भारतीय टूर्नामेंट गंवा देती है तो बेहद शर्मनाक बात होगी। इसीलिए मैनेजमेंट ने सभी चीजों को देखते हुए शिखर धवन को भारतीय टीम से जोड़ लिया है। आपको बता दें, रोहित शर्मा शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी विश्व में फेमस है। यह दोनों खिलाड़ी एक साथ शानदार बल्लेबाजी करते हैं। मैदान पर इन दोनों खिलाड़ियों के होने पर गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। ये दोनों ओपनर अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। शिखर धवन तो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के नजारे दिखाते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट ने गिल की जगह परेशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाकर शिखर धवन को टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, वहीं ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिखर धवन टीम के साथ जुड़ चुके हैं और प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैसे भी शिखर धवन दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने टीम के साथ जुड़कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शिखर धवन, शुभमन गिल और ईशान किशन में सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।